हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स की लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे जिसका पूरे कोटा में सिक्का चलता है। जी हाँ दोस्तों, देवा गुज्जर कोटा की रियल स्टोरी बताएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देवा डॉन राजस्थान के कोटा जिले का रहने वाला है। देवा के घर वाले किसान वर्ग से आते हैं और खेती करते हैं। देवा डॉन अपना अधिक समय जिम में निकालते हैं। देवा गुज्जर बहुत बड़े कारोबारी है और इनका बालाजी कंस्ट्रक्शन के नाम से धंधा चलता है, जिसमें देवा डॉन महीने में लाखों रुपए कमाते हैं। और दोस्तों, आपको बता देगी, देवा गुज्जर कोटा की दो पत्नियां भी है और उन दोनों से बहुत प्यार भी करता है। देवा गुज्जर के साथ हर वक्त 15-20 लोगों का काफिला रहता है। देवा गुज्जर शुरू से ही पैसे वाले घर का है, लेकिन रास्ता गलत चुन लिया और अपराध की दुनिया में चला गया। कोटा में बच्चा बच्चा देवा डॉन को जानता है। देवा डॉन गुज्जर समाज से विलोम करता है और देवा गुज्जर जब सड़कों पर उतरता है तो आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लग जाती है। देवा ने अपनी गैंग का नाम 0009 रखा है और अभी कोटा में देवा गैंग का राज चलता है। देवा डॉन का संपर्क राजस्थान में बड़े बड़े नेताओं से है और पूरे राजस्थान में गुज्जर प्रजाति का सबसे बड़ा डॉन है और कोटा की पब्लिक देवा को मसीहा मानती है। और वर्तमान में दोस्तों, देवा डॉन को डॉन बोलना अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों, अब देवा गुज्जर ने अपराध करना छोड़ दिया और अपना ज़्यादा समय अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। और देवाजी गुज्जर गरीबों की मदद करने में हर वक्त तैयार रहते हैं और गरीबों के मसीहा भी माने जाते हैं। और आपको बता दें कि देवाजी गुज्जर करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक भी है और महीने में लाखों रुपए कमाते हैं। देवाजी के पास महंगी गाड़ियां, अच्छा घर और लग्जरी लाइफ भी है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।